दोस्तों, दुनिया में क्रिकेट काफी लोकप्रिय खेल है। क्रिकेट फैंस अपने देश में पसंदीदा फ्रेंचाइजी टीमों का एक भी मुकाबला मिस नहीं करते। ज्यादातर देश अपने खिलाड़ियों को मशहूर होने का पूरा मौका देते हैं, जबकि कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें बेहतरीन मौके अपने देश में नहीं मिलते, जिसके चलते बहुत से क्रिकेटरों ने अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों की शरण ली और वहां से क्रिकेट खेला। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको 5 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हाल फिलहाल में अन्य देशों में शिफ्ट हो गए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मोर्ने मोरकल। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मोर्ने मोरकल लंबे समय तक अपने देश के प्रमुख तेज गेंदबाज रहे। तीनों प्रारूपों में मिलाकर उन्होंने 247 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 544 विकेट अपने नाम किए हैं, जिसमें से 309 टेस्ट विकेट हैं। पिछले महीने मोरकल ऑस्ट्रेलिया के नागरिक बन गए और ब्रिस्बेन हीट के साथ लोकल टैलेंट के तौर पर BBL में 2020-21 तक के लिए करार किया है। कोरी एंडरसन। कीवी ऑलराउंडर कोरी एंडरसन ने अपने कई बेहतरीन प्रदर्शन के बूते खूब सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने कई बार अपनी टीम के लिए दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। साल 2014 के IPL में उन्होंने मुंबई के प्लेऑफ में पहुंचाने में भी 95 रन की पारी खेलकर अहम योगदान दिया था। न्यूजीलैंड से उन्हें बीते कई वर्षों से मौके नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उन्होंने USA में लीग क्रिकेट के लिए 3 वर्ष का करार किया है। उनकी पत्नी भी USA की है। अंशुमान रथ। हांगकांग के पूर्व कप्तान अंशुमान रथ चर्चा में तब आए थे जब उनकी टीम ने साल 2018 में हुए एशिया कप में भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा दी थी। उन्होंने सलामी बल्लेबाज निजाकत खान के साथ मिलकर टीम को बढ़िया शुरुआत दिलाई थी। हालांकि ये मुकाबला उनका हांगकांग के लिए आखिरी मैच साबित हुआ। उसके बाद वे बेहतरीन मौके के लिए भारत आ गए। विदर्भ ने उन्हें स्थानीय प्रतिभा के तौर पर रजिस्टर किया है। वे अब नागपुर में शिफ्ट हो गए हैं। उस्मान कादिर। युवा लेग स्पिनर उस्मान कादिर ने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू मैच खेला था, जिसमें उन्होंने 1 विकेट झटका और वे अभी तक खेले अपने 11 T20 में 18 विकेट झटक चुके हैं और उनका बेहतरीन T20 प्रदर्शन 13 रन देकर 4 विकेट रहा। दरअसल उस्मान ने क्रिकेट का ककहरा ऑस्ट्रेलिया में सीखा और वे ऑस्ट्रेलिया के लिए ही खेलना चाहते थे, लेकिन उनके कोच डेरेन बेरी ने उन्हें अपने देश पाकिस्तान से खेलने को कहा और यही उनके पिता अब्दुल कादिर भी चाहते थे। समी असलम। पाकिस्तान की तरफ से 13 टेस्ट और 4 वनडे मैच खेलने वाले समी असलम हाल ही में USA शिफ्ट हो गए हैं। 758 टेस्ट रन बनाने वाले असलम ने साल 2017 में आखिरी टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला था, जबकि साल 2016 में वे आखिरी बार वनडे क्रिकेट खेले थे। USA का दामन थामने की उनकी एक वजह ये भी है कि उनकी घरेलू टीम साउथ पंजाब से विवाद हो गया था।